आइए दोस्तों अब इस मुशायरे को यहाँ से इसकी फजाएं तैयार करते हैं, गजल के सफर का आगाज करते हैं और इस सूबे झारखंड का नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान का वो महबूब शायर जो अपनी आवाज अपने अंदाज से किसी भी मुशायरे को कामयाबी की मनाजिल तक पहुंचा देता है। वो शायर कि जब वो अपने उफ्कार अशार से आपसे गुफ्तगू करेगा तो सिर्फ आपकी समातें ही यकजा नहीं होंगी बल्कि हमारे जामताड़ा के सभी सामाइन आपस में यकजा हो जाएंगे। वो शायर जिसका कलाम सुनकर सिर्फ जिस्म ही वजद नहीं करता बल्कि रूह वजद करने लगती है। वो शायर जिसकी शायरी मुशायरे की भी तर्जुमान है, माशरे की भी तर्जुमान है, जिसकी शायरी में हुब्बुल वतनी का भी इजहार है, मोहब्बत का भी इजहार है, हमारे समाज के जो मरासिम हैं उसका इजहार भी आपको उसकी शायरी में नजर आएगा। गजल का आगाज है, वो जो चाहते हैं वो सुनाएंगे, आप मोहताज तारुफ नहीं। कई बार इस जामताड़ा की सरजमी पर तशरीफ ला चुके हैं। आजमगढ़ वो अजीम सरजमी कि जहाँ से शिबली नोमानी का ताल्लुक है, जहाँ से कैफी आजमी का ताल्लुक है, उसी आजमगढ़ से ताल्लुक रखने वाला वो मुमताज नौजवान जिसे ये पूरा आलम अदब जनाबे असद आजमी के नाम से जानता है। पहले तो अपनी जात गजल में समेट लूं, फिर सारी कायनात गजल में समेट लूं, पहले तो मैं गजल में कहूं अपने दिल की बात, फिर सबके दिल की बात गजल में समेट लूं। आप सबके दिलों के जज्बात, आप सबके दिलों की बातों को गजल के जरिए से वापस आप तक पहुंचाने वाला शायर जनाब असद आजमी, दरखास्त है कि आखिर तक एक शख्स अपने हाथों को उठाकर तालियों से इजाजत दे दे कि वाकई यहाँ से मुशायरे का खूबसूरत आगाज हो सके। जोरदार तालियों से जरा इस्तकबाल फरमा दीजिए, हौसला अफजाई फरमाइए। जनाब असद आजमी माइक पर आ रहा है, अपने लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाकर आप अपना इस्तकबाल कीजिए कि आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं। नहीं, तालियां कमजोर, ये जो चेयरमैन हजरात हैं देखिए कुर्सियां पाने के बाद अच्छे अच्छे लोग खामोश हो जाते हैं। कुर्सियों पर बैठने के बाद अच्छे अच्छे लोग खामोश होते हैं, आपसे अच्छे तो ये जमींदार हैं। कम से कम ये देखिए जोरदार तालियां बजाना, जरा सा जमीन वाले लोग आप लोग इतनी जोरदार तालियां बजा दीजिए कि अब कुर्सी वाले आपको देखकर तालियां बजाने लगे। अब आप लोग भी जरा सा जोरदार तालियां बजाइए इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आइए चार मिसरे पढ़ता हूँ। तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। मैं एक हिंदुस्तानी होकर एक मतला और एक शेर से आपके दिल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, बतौर खास मतला हाजिर करता हूँ। चार मिसरे पढ़ता हूँ, समाज फरमाएं। ना हम इराक वाले हैं, जोरदार इस्तकबाल करेगा। ये जामताड़ा है, मुझे आपकी समातों पर पूरा एतमाद, पूरा यकीन, पूरा भरोसा है कि आप किसी शेर का, किसी शायर का शेर जाए नहीं होने देंगे। बड़े भाई मुझे खुर्शीद हैदर साहब तशरीफ फरमा है, अपने इनके मोहतरम हिलाल बदायूनी साहब सबके हवाले से पढ़ता हूँ, समाज फरमा लें। कि ना हम इराक वाले हैं, ना हम ईरान वाले हैं, ना हम इराक वाले हैं, ना हम ईरान वाले हैं। देखिएगा डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, आप बड़े खूबसूरती से बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर बैठे, यही हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी जमानत है। पेश करता हूँ, समाज फरमाएं। ना हम इराक वाले हैं, ना हम ईरान वाले हैं, तुम्हें क्यों कर ये लगता है कि पाकिस्तान वाले हैं। जमीन खोदो कहीं भी तो हमारी कब्र निकलेगी। अब अगली लाइन पे जामताड़ा बताएगा। जमीन खोदो कहीं भी तो कब्र निकलेगी, ये मिट्टी चीख कर बोलेगी हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, क्या कहने, दोबारा पढ़िए असद साहब। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे कमेटी के मेंबरान इस्तकबाल फरमाते हुए, बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं, वाह। दोस्तों अगर दोबारा सुनना चाहते हैं तालियों से हौसला अफजाई इस्तेमाल फरमाइए। ये जामताड़ा है, ये करमताड़ा है और ये कुर्बो जवार के जितने लोग हैं, आप लोग कभी मुशायरा फ्लॉप होता देख ही नहीं सकते। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाकर आप इस्तेमाल कीजिए मुशायरे के लिए। हाजिर करता हूँ इंचार्ज मिसरों को, फिर हुक्म हुआ है थोड़ा सा माइक ठीक कर दीजिए भाई, पेश करता हूँ। ना हम इराक वाले हैं ना हम ईरान वाले हैं, तुम्हें क्यों कर ये लगता है कि पाकिस्तान वाले हैं। जमीन खोदो कहीं भी तो हमारी कब्र निकलेगी, ये मिट्टी चीख कर बोलेगी हिंदुस्तान वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद बोले कि हिंदुस्तान वाले वाले हैं। बहुत शुक्रिया। आइए चार मिसरे और आपकी ज़हीन समातों के हवाले कर रहा हूं। इस दाइस पर दो शोरा इकराम हैं, तीन शायरात हैं। माशाल्लाह ये खूबसूरत प्रोग्राम पूरे आबोताब के साथ और पूरी मोहब्बतों के साथ आगे बढ़ेगा। इरफान भाई मैं चार मिसरे पढ़ रहा हूँ और किसी को हमारी औरतों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 1400 साल पहले कुरान ने बता दिया कि औरतों की इज्जत क्या होती है, औरतों की अजमत क्या होती है। मैं चार मिसरे पढ़ रहा हूँ जामताड़ा के अच्छे लोगों, आपकी ज़हीन समातों के हवाले सुने। जहाँ को फैज़ और रहमत का सदा इनाम देता है, भलाई का हर एक इंसान को पैगाम देता है, भलाई का हर एक इंसान को पैगाम देता है। फकत भारत नहीं दुनिया के हर गोशे में औरत को। अब अगली लाइन में अगर सच्चाई आपको नजर आए तो आप तालियां बजाकर इस्तेमाल कीजिएगा। फकत भारत नहीं दुनिया के हर गोशे में औरत को, सभी मजहब से ऊंचा मर्तबा इस्लाम देता है, सभी मजहब। बहुत शुक्रिया। आइए मैं चार मिसरे और पढ़ रहा हूँ। जब इस सरजमीन पर कदम रखा तो उन चार मिसरों की सबसे ज्यादा फरमाइशें मुझसे होने लगी। मैं उन चार मिसरों को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद रफ्ता रफ्ता गजल के माहौल तक भी आपको लेकर चल रहा हूँ। हाजिर कर देता हूँ उन चार मिसरों को, बतौर खास बैठे हुए हैं हमारे डॉक्टर साहब विधायक जी, सबके हवाले से पढ़ रहा हूँ। हाफिज नाजिर साहब, इरफान अंसारी साहब, मुख्तार अंसारी साहब, मुर्ताज अंसारी साहब, सबकी बड़ी मोहब्बतें। आरिफ हुसैन साहब, सद्दाम हुसैन भाई मेरे भाई, आरिफ अंसारी, बबलू खान, जमाल अंसारी, सादिक अंसारी, मुश्ताक अंसारी, सबकी बड़ी करम फरमाइयाँ, बड़ी मोहब्बतें रही हैं इस मुशायरे को सजाने संवारने में। चार मिसरे पढ़ता हूँ, बतौर खास पेश करता हूँ, सुने। करगिल के तालियां बजाकर इस्तेमाल कीजिए। ये जामताड़ा है, मुझे आपकी समातों पर यकीन है। पेश करता हूँ, सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे। अगली सब वाले हैं, आप लोग चाय पीते रहे लेकिन दाद देने में कोई कमी मत कीजिएगा। पेश करता हूं आप लोगों के हवाले से, सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। और ये भी बहुत खूबसूरत सा शेर आप सबकी जहीन जमातों के हवाले। थोड़ा सा स्टेज शरीफ हो जाए। मुशायरा चल रहा है, रोज रोज मुशायरा नहीं होता, ये सेल्फी वाला वीडियो वाला काम, इतने बड़े बड़े चैनल हैं मुशायरा मीडिया सब पर अपलोड हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग शरीफ होकर सुने तो मजा लीजिए। पेश करता हूँ समाज पर, मैं एक शेर पढ़ता हूँ डॉक्टर साहब देखिएगा कि भारत के। अच्छा डॉक्टर साहब मुस्कुराते बहुत कम है, डॉक्टर साहब को हंसा लेना ऐसा लगता है कि बहुत मुशक्कत का काम है, बिल्कुल हिलाकर इनको हंसाना पड़ता है मुस्कुराते हुए। डॉक्टर साहब आप अच्छे लगते हैं तो थोड़ा सा मुस्कुराकर इस्तकबाल करेंगे अपने इस छोटे से भाई का, क्योंकि बड़ा लंबा सफर करके आजमगढ़ से आपके जामताड़ा में तशरीफ लाया। आप हमेशा इस्तकबाल करते हैं, आज भी खूबसूरत करेंगे। पेश करता हूँ समाज फरमा लें कि भारत के तिरंगे की खाता हूँ कसम, सुन लो खाता हूँ कसम सुन लो, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे। कश्मीर जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। उसकी तस्वीर नहीं देंगे हम, जान तो दे देंगे कश्मीर नहीं देंगे। आइए चार मिसरे आपकी ज़हीन समातों के हवाले, रफ्ता रफ्ता गजल तक पहुंचूंगा। एक मतला एक शेर, ये हमारे विधायक जी कोई फरमाइश चाहते हैं आपसे। अच्छा अच्छा ये भी बात है, बहुत समझदार लोग हैं, ये जानते हैं कश्मीर किसको नहीं देना है, किसको नहीं देना है कश्मीर, किसका झगड़ा है बताइए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को कश्मीर क्या, वो तो बहुत दूर की चीज है, उसकी तस्वीर भी हम नहीं देंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर पूरा हिंदुस्तान ताली बजाए, क्योंकि ये जामताड़ा का खूबसूरत मुशायरा है आप सबकी ज़हीन समातों के हवाले। चार मिसरे कर रहा हूँ, हुक्म हो रहा है एनआरसी के हवाले से, तो इरफान भाई बैठे हुए हैं, मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क हर हिंदू और मुसलमानों की कुर्बानियां रही है, तब जाकर ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है। चार मिसरे पढ़ता हूँ, बतौर खास पेश करता हूँ, सुने के कातिल या अहिंसा के तरफदार का नहीं। इरफान भाई आप संभालिएगा, क्योंकि आपने फरमाइश की है तो एक इशारे इशारे में पूरी बात होगी, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप अपने आप पहुंच जाएंगे जिसका नाम होगा। पेश करता हूं कि कातिल या अहिंसा के तरफदार का नहीं, तरफदार का नहीं, रहे सन या किसी चोर चौकीदार का नहीं, चौकीदार का नहीं, मिलजुल के रहेंगे यहाँ हर कौम के बच्चे। अब अगली लाइन का इस्तेमाल हो, मिलजुल के रहेंगे यहाँ हर कौम के बच्चे, ये मुल्क हमारा है तड़ी पार का नहीं। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इरफान भाई ने मेरे कान में धीरे से फरमाइश की, यार वो आजमगढ़ में पढ़े थे एनआरसी वाले में, वो चार मिसरे पढ़ो ये मुल्क हमारा है, मैं समझ गया, क्योंकि बस इशारा ही काफी होता है बड़े भाई का। हाफिज नाजिर साहब की बड़ी मोहब्बतें मिल रही है सद्दाम भाई की, सबके हवाले से कातिल या अहिंसा के तरफदार का नहीं, तरफदार का नहीं, रहे सन या किसी चोर चौकीदार का नहीं, चौकीदार का नहीं, मिलजुल के रहेंगे यहाँ हर कौम के बच्चे, मिलजुल के रहेंगे यहाँ हर कौम के बच्चे, ये मुल्क हमारा है तड़ी पार का नहीं, तड़ी पार का नहीं, ये मुल्क हमारा पारा है, तड़ी पार का नहीं, तड़ी पार का नहीं। बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और पढ़ रहा हूँ। बतौर खास इरफान भाई की सोच क्या है, जो सोचते हैं, जो जहन में रखते हैं, वो करने की भी सोच रखते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो लोग नहीं करना चाहते हम उनकी कभी तरफदारी भी नहीं करते। चार मिसरे पढ़ता हूँ जामताड़ा के अच्छे लोगों, आपके हवाले कर रहा हूँ। समाज फरमा ले, जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। थोड़ा सा तालियां बजाकर इस्तेमाल कीजिए मेरे भाई। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं यार, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कुर्बान जाऊं आप पर, ये जामताड़ा है, कभी मुझे निराश करके यहाँ से आजमगढ़ नहीं भेजा है। आज भी बहुत बहुत मोहब्बतें आपकी मिलेंगी। हाजिर करता हूँ, सुने कि जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। हिलाल भाई देखिए ये शेर आपके हवाले से, जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते, जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। वतन की आबरू से माँ का रिश्ता जोड़ने वालों, अगली लाइन का इस्तेमाल होगा, वतन की आबरू से माँ का रिश्ता जोड़ने वालों, कभी हम लोग अपनी माँ से गद्दारी नहीं करते। क्या कहने, वाह 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 वाह, सब क्या कहने, वाह। अब आइए, चार चार मिसरे उन नौजवानों को भी देना चाहता हूँ। आप खाला से मोहब्बत कीजिए, फुफ्फू से कीजिए, दादी दादा से कीजिए, भाई बहन से कीजिए, सबसे मोहब्बत कीजिए। लेकिन एक मोहब्बत के चक्कर में अगर पड़ेंगे और डीपली में अगर गए तो आपको सल्फाज खाने की नौबत आ जाएगी। है क्या बात है, कोई किसी एक भाई को समझ में आया, लग रहा है बिल्कुल आज ही ताज़ा ताज़ा मामला इस भाई के साथ हुआ है। हाँ ऐसा लग ही रहा है मुझे। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ मेरे भाइयों। आपको जब माँ की दुआ लगती है तो वो दुआ कहाँ काम आती है ये आप सोच भी नहीं पाते हैं, वो माँ की दुआओं का असर होता है। चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, समाप्त करें। कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, वाह। माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, वाह। तुमको आबाद करके छोड़ेगी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी, करके छोड़ेगी, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। चार मिसरे और बतौर खास नौजवान नस्ल आप सबके हवाले पेश कर देता हूँ। चार मिसरे समाज फरमा लें। के दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का, मगर क्या कहने, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। क्या है माँ का मकाम। एक शेर, एक चार मिसरे पढ़ता हूँ नौजवान नस्ल आप सबके हवाले। के दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का, मगर कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। नहीं, तालियाँ कमजोर है यार। ये जो कुर्सियों पर बैठे हैं, कसम खुदा की ऐसा लग रहा है कसम खाकर आए हैं कि कोई कुछ पड़े हम नहीं बोलेंगे। यार अगर आप लोग मेहमानों की इज्जत अजमत के लिए बैठे तो एक बार जोरदार तालियां आप सब बजाइए, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग सुनने के मूड में हैं या नहीं हैं। मैं ये बिल्कुल कशमकश में पड़ा हूँ, थोड़ा सा मूड बनाइए तो अच्छा लगेगा। आइए एक नज्म का मतला बतौर खास हिलाल भाई आपके हवाले से, इरफान भाई की मौजूदगी है तो मैं चाह रहा हूँ कि उस नज्म के एक मतला और दो तीन शेर पढ़ ही दूं और इशारे इशारे में पूरी बात हो जाएगी। देखिए, नाम हम किसी का बिल्कुल लेंगे नहीं, क्योंकि पब्लिक इतनी समझदार है कि हम कुछ भी कहते हैं वो समझ जाया करती है। मतला यहीं से हाजिर करता हूँ, समाज फरमा लें कि कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मों सितम ढाएगा। शरीक होइए नाजिर भाई बतौर खास। कब तलक बेगुनाहों पे तू यूं ही जुल्मों सितम ढाएगा, जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा, जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा। एक शेर देखिएगा हिलाल भाई, इशारे इशारे में पूरी बात होगी कि बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की। शरीक होइएगा, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कीजिएगा। बकरियों की हिफाजत कभी क्या किसी भेड़िए ने है की, घर ना अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला पाएगा, ना अपना चला पाया जो क्या हुकूमत चला पाएगा, जो नशा तुझको कुर्सी का है एक ना एक दिन उतर जाएगा। मोहब्बतों के साथ आप सबने सुना। ये गजल पढ़ देता हूँ, हाफिज नाजिर साहब का हुक्म हुआ है जी। असद भाई आप नातिया अशार भी कुछ पढ़ दीजिएगा, क्योंकि जितने उलमाए कराम तलबा आए हैं उनकी बड़ी फरमाइशें हैं कि असद भाई से एक नात भी पढ़वा दीजिएगा। तो एक गजल पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अब माहौल कैसा है, नात का माहौल क्या है, बहरहाल हिलाल भाई थोड़ा सा संभालने की कोशिश कीजिएगा। एक गजल का मतलब आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ। इस्तकबाल कीजिए, और बड़ी मेहनत कर रहे हैं मुशायरे के हिस्से को खूबसूरत बनाने की। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ठंडक आप सबको लग रही है, अगर ठंडक उंडक न लग रही हो तो जोरदार तालियां बजाकर एक बार इजाजत दीजिए और पूरा मजमा हाथ उठाकर तालियां बजाए, ताकि मैं यहाँ से खूबसूरत एक गजल का मतला पढ़ सकूं। पेश करता हूँ, सुने। उसे मुश्किल बताना हो गया है। अच्छा तरन्नुम, वाह 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 वाह। उसे मुश्किल बताना हो गया है, क्या उसे मुश्किल बताना हो गया है, उसे मुश्किल बताना हो गया है, उसे मुश्किल बताना हो गया है, ये दिल जिसका दीवाना हो गया है, ये दिल जिसका दीवाना हो गया है, चले आओ बहाने से किसी दिन, चले आओ बहाने से किसी दिन। हाँ, यही आप लिखकर भेजेंगे व्हाट्सएप पर नौजवानों, आपके मन की बात हो रही है, थोड़ा सा शरीफ होकर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। चले आओ बहाने से किसी दिन, चले आओ बहाने से किसी दिन, तुम्हें देखे जमाना हो गया है, तुम्हें देखे जमाना हो गया है, ये दिल जिसका दीवाना हो गया है, कही थी जो गजल उसमें है जबी पर, कही थी जो गजल उसमें है जबी पर कही थी जो गजल उस महजबी पर जरूरी अब सुनाना हो गया है, जरूरी अब सुनाना हो गया है। गजल का आखिरी शेर, उसके बाद एक मतला और दो तीन शेर पढ़कर मैं अपनी जगह ले लूंगा। पेश कर देता हूँ आखिरी शेर बतौर खास। चले आओ ना अब इतना सताओ, देखिएगा नाजिर भाई बतौर खास। चले आओ ना अब इतना सताओ, चले आओ ना अब इतना सताओ के मौसम फिर सुहाना हो गया है, के मौसम फिर सुहाना हो गया है, उसे मुश्किल बताना हो गया है। आइए एक मतला और दो शेर पढ़कर उसके बाद हिलाल भाई मैं अपनी जगह लेता हूँ। मोहब्बतों के साथ पेश कर देता हूँ एक मतला और दो शेर पढ़कर उसके बाद रुखसत होता हूँ, हाजिर करता हूँ समाज। फरमा लें के बच्चों को, ये हमारे मेहमान है डीएसपी साहब, सुकून से बुला लीजिए उन्हें डायस्पर का तशरीफ लाते हैं। डीएसपी साहब का हम खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं पूरी जामताड़ा कमेटी की। आप सब लोग तालियों से इस्तकबाल कीजिए, शामिल हो जाइए कि वो आपकी जोरदार तालियां बजाइए। दोस्तों जोरदार तालियां बजनी चाहिए, थोड़ा सा ठंडक का आप लोगों के ऊपर असर मुझे ना नजर आए। बिल्कुल, डिप्टी एसपी जामताड़ा, मैं उनका नहायत मशकूर ममनून हूं कि हमारी तहजीब की मोहब्बत की महफिल में तशरीफ लाए। माइक पर जनाब असद आजमी, बहुत शुक्रिया। आइए चार मिसरे बतौर खास आपके हवाले कर जी हाजिर कर देता हूँ। समाज फरमाए के गुलशन आलीशान महकता रहता है, गुलशन आलीशान महकता रहता है, गुलशन आलीशान महकता रहता है, फख्र है मेरी जान महकता रहता है। तालियां कमजोर है दोस्तों आपकी, जरा सा जोरदार तालियां बजाइए इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। आप लोग ये जो पीछे हमारे भाई खड़े हैं, थोड़ा सा आप लोग भी शरीक हो जाइए, ऐसा ना लगे कि आप लोग बॉर्डर पर खड़े हैं, ऐसा लगे कि आप लोग मुशायरे में शरीक हैं। पेश करता हूँ, सुने के गुलशन आलीशान महकता रहता है, फख्र है मेरी जान महकता रहता है, प्यार की खुशबू बनकर मेरी सांसों में, देखिएगा इरफान भाई, प्यार की खुशबू बनकर मेरी सांसों में, प्यारा हिंदुस्तान महकता रहता है, प्यारा हिंदुस्तान महकता रहता है, आज भी करते हैं आइंदा करना है। क्या कहने, क्या कहने, शरीक होइएगा। आज भी करते हैं आइंदा करना है, मिलकर जंगल राज की निंदा करना है, प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा से। अब आप अपने लिए तालियां बजाएंगे। प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा से, नफरत नफरत वालों को शर्मिंदा करना है, नफरत वालों को शर्मिंदा करना है, नफरत वालों को शर्मिंदा करना है। जाते जाते हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से एक मतला और दो शेर, दो तीन शेर पढ़कर उसके बाद जहमत तमाम पेश कर देता हूँ। डीएसपी साहब भी तशरीफ फरमा है, इरफान अंसारी साहब भी तशरीफ फरमा है। एक सब मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, दूसरी सब हिंदू भाई बैठे हुए, यही तो खूबसूरत हिंदुस्तान है। जरा सा जोरदार तालियां आप सब बजाइए तो हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से एक नज्म का मतला आप तक पहुँचा दूं। हाजिर करता हूँ, समाज फरमा लें के इस देश में हिंदू न मुसलमान है यारो। वाह वाह, थोड़ा सा मजे से सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा शरीक हो जाइए। इस देश में हिंदू न मुसलमान है यारो, मुसलमान है यारो। इस देश में हिंदू न मुसलमान है यारो, मुसलमान है यारो। सच पूछो तो हर आदमी इंसान है यारो, इंसान है यारो। सच पूछो तो हर आदमी इंसान है यारो, इंसान है यारो। सीट आइए, मैं खूबसूरत एक शेर पढ़ने जा रहा था, बतौर खास एक शख्स तालियां बजाकर इस्तेमाल करें आली जनाब मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा का, जो डाइस पर तशरीफ ला रही हैं। अभी एक नज्म मैं पढ़ूंगा इसके बाद इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त बहुत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाफिज नाजिर साहब से मैं पहले ही कहा था कि हाफिज जी थोड़े से शायर रखिएगा ताकि मजबूती से सबको सुना जाए, क्योंकि बहुत सारे मुशायरे में कहीं 28 शायर, कहीं 35 शायर, उस मुशायरे को मजा नहीं आता, लोग बिल्कुल उलझ कर रह जाते हैं। इस मुशायरे में सबके पास पूरा फुल वक्त है, जितना चाहे उतना पढ़े, इसलिए कोई पाबंदियां नहीं है। पेश कर देता हूँ, बतौर खास ये शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, सुने। कि सीता भी यहाँ, राम भी और कृष्ण भी बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है यारो, भगवान है यारो। हर शख्स का बस एक ही भगवान है यारो, भगवान है यारो। हिंदू हिंदू हो मुसलमान हो, कहाँ फर्क है इनमें। क्या कहने, अच्छा मिसरा है सद, वाह, कहाँ फर्क है इनमें। हिंदू हो मुसलमान हो, कहाँ फर्क है इनमें। काटो तो वही खून वही जान है यारो, वही जान है यारो। काटो तो वही खून वही जान है यारो, वही जान है यारो। बहुत शुक्रिया। आइए एक गीत का मतला आपके जहीन समातों के हवाले। सऊदी और दुबई रहने वाले बहुत सारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी बहुत हुक्म हुआ है कि असद भाई वो परदेश वाली आप नज्म गीत जरूर पढ़ दीजिएगा। तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं उस गीत को पढ़ूं, जरा सा हाथ उठाकर तालियां बजाकर इस्तकबाल करें तो मैं आप तक मतलब पहुंचा दूं। हिलाल भाई देखिएगा, आपकी मौजूदगी में, आपकी निजामत में पहली मरतबा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मतला हाजिर करता हूँ, समाज फरमा ले। कैसे परदेश न जाऊं मैं तेरे पास रहूं। क्या कह रहे, वाह वाह वाह। तालियां कमजोर है, कमजोर है तालियां। वाह वाह वाह, थोड़ा सा तालियां बजाकर इस्तेमाल करेंगे तो मूड बनेगा। पेश कर देता हूँ, मोहतरमा शबीना अदीब अप्पी तशरीफ फरमा है, हमारी बड़ी बहन है। इनके हवाले से खुर्शीद हैदर साहब, सभी शोरा इकराम के हवाले से बहुत छोटा सा माशाल्लाह, बहुत छोटी सी महफिल है ये शोरा इकराम की। आपकी महफिल तो बहुत बड़ी है, सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन पढ़ने वाले बिल्कुल मुख्तसर और मजबूत पढ़ने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह ये मुशायरा पूरी तारीख रकम करेगा हाफिज नाजिर साहब की सदारत में। ये खूबसूरत मुशायरा पूरा जामताड़ा एक बार जोरदार तालियां बजाए सभी शोरा इकराम के लिए। पेश करता हूँ मतला यहाँ से, सुने। कि कैसे परदेश न जाऊं मैं तेरे पास रहूं, धड़कने बन की तेरे दिल की तेरे पास रहूं। कैसे परदेश ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं, घर की मुझसे ये परेशानी ना देखी जाती। किसी को शौक नहीं होता है हिलाल भाई सऊदी और दुबई जाने का, लेकिन मजबूरियां इंसान से बहुत कुछ करवा डालती हैं। आप लोगों को अगर ये नज़्म पसंद आए तो भाभी को जरूर भेज दीजिएगा रिकॉर्ड करके, जो आपको बार बार कहती हैं कि मत जाइए हमें छोड़कर, उनको डेडिकेट करता हूँ। पेश करता हूँ कि घर की मुझसे ये परेशानी न देखी जाती और टूटी हुई चरपाई न देखी जाती। मेरे घर की है जो बदहाली मिटेगी कैसे, हम सफर लब पे तेरे लाली सजेगी कैसे। कर्ज सालों का अदा जा मेरी कैसे होगा, मैं न जाऊंगा जो परदेश तो फिर क्या होगा, कैसे परदे। देखिए फिर आपकी तालियां कमजोर हो गई। देखिए डूबकर सुन रहे हैं सब, बहुत तेज आवाज से पढ़ रहा हूं मैं, और आप लोग हालात हाजरा की भी शायरी पर जोरदार तालियां नहीं बजा रहे हैं। इमोशनल गजल अगर कोई पढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, मैं तो वही सोच रहा हूं जामताड़ा ऐसा आप मत करें। खूबसूरती से इस प्रोग्राम को अगर जो शेर आपको पसंद आए तो उस पर तालियां बजाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास एक शख्स को शरीक करता हूँ समाज। फरमा लें कि मैंने माना के सदा देगी तुझे पुरवाई, बन के नागिन तुझे डस लेगी गमे तन्हाई, बन के नागिन तुझे डस लेगी गमे तन्हाई। अश्क को थाम लो बेकारियों का जलना करो, अश्क को थाम लो बेकारियों का जलना करो। दिले मजरूह को तुम और भी घायल ना करो, किस तरह तुझको बताऊं बड़ा रंजूर हूँ मैं, छोड़ कर अपना वतन जाने को मजबूर हूँ मैं। कैसे परदेश ना जाऊं मैं तेरे पास रहूं। आखिरी बंदन हिलाल भाई, इरफान भाई, नाजिर साहब, सबके हवाले से पढ़ता हूं कि 2 साल 2.5 साल 3 साल सिर्फ जाने जाने की बात होती है, लेकिन 3 साल के बाद जब हस्बैंड को वापस आने की बात होती है सऊदी या दुबई से, तो भाभी सीधा रांची एयरपोर्ट पहुंच जाया करती हैं अपने हस्बैंड को लेने के लिए कि सबसे पहली शक्ल उनकी मैं ही देखूं, मेरे अलावा कोई ना देखे। एक बंद पढ़ता हूं, अगर आप लोगों के दिल तक ये बंद पहुंच जाए सऊदी और दुबई वालों, तो आप लोग जामताड़ा वालों मोहब्बतों से पेश कीजिएगा, मोहब्बत दीजिएगा। हाजिर करता हूं, सुने कि जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना। हिलाल भाई देखिए, जब मैं लौटूंगा वतन अपने तो फिर क्या कहना, खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना, खनखनाएंगे तेरे हाथ में चूड़ी कंगना। ऐशो आराम होंगे रंज की दूरी होगी, चारपाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। अरे तालियां बजाकर इस्तेमाल कीजिए। ऐशो आराम होंगे रंज की दूरी होगी, चारपाई की जगह फिर तो मसहरी होगी। सुर्ख जोड़े में कसम तेरी जो सज जाओगी, पहले शब की वही दुल्हन ही नजर आओगी। वाह 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 वाह।